दोस्तों अमेज़न मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से जो है लोगों के पास पार्ट टाइम जॉब का ऑफर लेकर के बहुत सारे तरीके के मैसेज आ रहे हैं, जिसमें यहाँ तक कह दिया गया है कि आप जो हैं पर डे का 400 रुपये से लेकर के 80,000 रुपये तक पर डे कमा सकते हैं। अब मात्र 3 से 5 मिनट का समय चाहिए और आपके पास आपका स्मार्टफोन होना चाहिए और कुछ समय खाली होना चाहिए, यानी कि 3 से 5 मिनट का ही समय मांगा गया आपको। पहले मैं मैसेज दिखा देता हूँ आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए कि व्हाट्सअप पर जब बात होती है ना तो ये बताते हैं कि आपको 400 से लेकर के 80,000 रुपये तक का ऑफर दिया जाएगा, 3 से 5 मिनट बस आपसे काम लिया जाएगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे और इतना इतना कमा सकते हो पर डे। ठीक है, पर डे की यहाँ बात की गई है। अब ये लोग का जो है सीन ऐसा ही कुछ होता है टेक्स्ट मैसेज में भी, जहाँ पर ये लोग जो है अंधाधुन पैसा लिख देते हैं और व्हाट्सअप का नंबर दे देते हैं। जैसे ही लोग इनसे बात करते हैं तो ये आपसे जो है बेसिक से 4 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम, आपका एज और आप जो है अभी करेंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं या फिर क्या स्टूडेंट हो क्या हो, इस तरीके के क्वेश्चन। इसके बाद डायरेक्टली अब कहा जाता है कि ठीक है आपको हम ऑफर कर रहे हैं जॉब, ये हमारा वेबसाइट है। अब जो ये नया वेबसाइट आया है अमेज़न मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से, उसका नाम है mall992.com। जी हाँ गाइस, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है जहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको अमेज़ॉन का लोगो दिखा दिया जाएगा। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक जो है एक बात पहुँचाने आया हूँ, पता ही क्या कि इसमें अगर आप जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हो ना तो आपके साथ जो है स्कैम होना तय है। उसके पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये रहा यूज़र इंटरफेस जहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की बात आ रही है। मैंने अपना नाम डाला RAJJJ करके, क्योंकि ऑलरेडी राज नाम से रजिस्टर्ड था कोई बंदा, इसलिए मैंने जो है इस तरीके का नाम डाला। और नंबर देखो आप क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। जब मैंने ट्राई किया तो ये रजिस्टर नहीं हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर 9, ये नंबर भी आप लोग जानते हो कि कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद भी जो है पासवर्ड डालने के बाद ये जो है मेरा अकाउंट बन गया। आप लोग अपने स्क्रीन पर क्लियरली देख सकते हो कि मेरा अकाउंट बन चुका है राज नाम से, और मोबाइल नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 है। अब यहाँ पर अगर ऐसे में आप जो है ऐसी कोई वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, OTP तक का एक्सेस नहीं ले रहा है, डायरेक्टली कुछ भी नंबर डालो लॉगिन हो जाओ 68 रुपये मिल जाएंगे, मतलब फ्री फंड के 68 रुपये मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है विड्रॉल करने जाओगे तो विड्रॉल होगा नहीं, ऐसे में आप लोगों को जो है कहा जाएगा कि पहले कुछ रिचार्ज करने के लिए, रिचार्ज के लिए आपको दिखाया जाएगा कुछ इस तरीके का मैसेज जिसमें आपको कहा जाएगा अगर आप 200 रिचार्ज करोगे तो 200 मिलेंगे, यानी 400 हो जाएगा, 1000 करोगे तो 600 मिलेंगे, इस तरीके का जो है बताया जाएगा, 500 करेंगे तो 350 रुपये मिलेगा एक्स्ट्रा, या फिर आप जो है उस वेबसाइट में भी अगर देखोगे तो मिनिमम 100 रुपये से लेकर के आप रिचार्ज जो है 50,000 तक कर सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर मैं रिचार्ज करने के लिए 50,000 वाले अमाउंट को और 30,000 वाले अमाउंट को इस पर मैं बार बार क्लिक करूँगा, और आप लोग देखना कि इसका UPI जो है ना वो बार बार चेंज होगा, कभी मनीष तो कभी सुरेश, इस तरीके के नाम से जो है UPI इन लोगों का है। इट मीन्स कि हो सकता है कि इसी नाम के बंदे का ये वेबसाइट हो जो ये वेबसाइट चला रहा है, या फिर वो लोग फेक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो, लेकिन इस तरीके का जो है नाम रैंडमली आ रहा है। अगर 50,000 वाले पे आप बार बार क्लिक करोगे तो कभी मनीष आएगा, कभी सुरेश आएगा, कभी कुछ और आएगा, कभी 30,000 वाले पे क्लिक करोगे तो सेम यही कहानी होगा, मतलब कभी भी 3 UPI जो मेरे को देखे हैं, 3 UPI हैं, तो तीनों में से कोई सा भी नाम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरी चीज़ क्लियर हुई कि ये जो हैं हो सकते हैं ये वही बंदे हो जो कि इस वेबसाइट को बना रखे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये फेक अकाउंट वगैरह यूज़ कर रहे हो। ऐसे में क्योंकि दोस्तों ये लोगों की वेबसाइट पर लोग जो हैं पैसे कंटिन्यूसली डालते रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो, इस वजह से ये लोग जो हैं कुछ कुछ सेकेंड्स पर उसको अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक ही अपडेट होता रहता है UPI, अगर इस पर फेल होगा तो अगली बार जो बंदा दोबारा ट्राई करेगा तो दूसरे वाले पे हो जाएगा, इस तरीके से ये लोग जो है अपने पैसे लेने के लिए UPI को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से हो रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी वेबसाइट्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको जो है रिचार्ज तो करना ही पड़ेगा, रिचार्ज करने के बाद जो है आपको कमीशन 20% ये लोग बताते हैं, लेकिन उस 20% को लेने के लिए आपसे जो है रिचार्ज कितना कराया जाएगा वो आपको क्लियर नहीं रहता है। ये लोग आपको कहते हैं कि सिस्टम द्वारा टास्क आपको जनरेट करके मिलेगा, वो टास्क कुछ भी हो सकता है, वो 500 का भी हो सकता है, 50,000 का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, इन लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि वो टास्क क्या मिलने वाला है, वो सिस्टम में ये लोग फिट करके रखते हैं, कोई भी टास्क आ सकता है आपके पास। तो ऐसे में आप लोग सोच लो अगर पैसे आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट टास्क जो आने वाला है आपके पास वो 50,000 का हो, लाख, 10 लाख का हो, तब क्या करोगे? क्योंकि इन लोगों का कहना एक ही होता है, अगर आप नेक्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, आपके अमाउंट को फ्रोजन अमाउंट में दिखा दिया जाएगा, आप विड्रॉल नहीं ले सकोगे, और जितनी बार उसको पूछोगे ना मेरे को विड्रॉल नहीं मिल रहा है तो वो आपको एक ही क्वेश्चन कहेंगे कि ये लास्ट वाला जो टास्क आपको मिला है ना उसको आपको कंप्लीट करना होगा। अब इससे मतलब नहीं है कि वो 1,000 का टास्क है या 10 लाख का टास्क है,
आपको वो करना होगा, तभी हम आपको विड्रॉल देंगे। दूसरी बात, जैसे ही आप जो है इसमें अगर आप डाल भी देते हो पैसे को, तो फिर से ये आपको कोई बहाना मार देंगे। बहाना इनका एक नंबर वन बहाना ये होता है कि आपने इस टास्क को करने में काफ़ी समय लगा दिया, काफ़ी मतलब 60 मिनट से ज़्यादा का समय लगा दिया। ज़्यादातर जो वेबसाइट वाले यही लोगों को कहते हैं कि आपने 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा दिया, इसलिए आपको जो अगेन नया टास्क मिल गया सिस्टम से, अब आपको ये वाला टास्क तो करना पड़ेगा। अगर आप ये कर देते हो तब आपको विड्रॉल मिल जाएगा। दूसरा ही लोगों का बहाना होता है कि ठीक है आप इतना बड़ा टास्क नहीं कर पा रहे हो, आप दोस्त लोगों से उधार ले लो, कर्ज ले लो, बाद में विड्रॉल मिलेगा तो उनको पैसे दे देना। चलो आप अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो मैं अपनी तरफ से आधे पैसे डाल दे रहा हूँ, आधे आप डाल करके विड्रॉल ले लो, मैं इतना ही कर सकता हूँ, मेरी भी जॉब है, मेरे को भी सैलरी बेसिस पे रखा गया है, मैं आपकी बस इतनी हेल्प कर सकता हूँ। इस तरीके से ओवरऑल वो लोग जो है आपको बहलाने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तुम भी पैसे लगाओ, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ पैसे डाल करके उस वेबसाइट में, और उस टास्क को कंप्लीट करो, जब विड्रॉल हो जाएंगे तो मुझे भी मेरे पैसे दे देना। इस तरीके से कन्वेंस करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ये लगेगा कि अगला बंदा जो है ये मेरी हेल्प कर रहा है, ये मेरे सपोर्ट में है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, वो वेबसाइट जो है उन्हीं लोगों का होता है, उसमें वो जो अमाउंट है ना वो बस एक नंबर की तरह है, उसको जब चाहे वो लोग एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अभी 50 दिखा रहा है तो मान लो वो लोग कह रहे हैं कि मैं 20 की हेल्प कर दे रहा हूँ, तो उसको हटा करके 30 कर देंगे। अब आपके जेब से जो 50 नहीं आने वाले तो चलो 30 आएंगे ना उनके पास, तो 30 ही ले लेंगे। अब बात उन लोगों की कर लेता हूँ जिन्होंने पैसे ऑलरेडी लगा दिए ऐसी वेबसाइट में। दोस्तों आपके पास जो है पैसे वापस पाने के लिए 2 ऑप्शन होता है। पहला तो ये है कि आपको साइबर क्राइम में ज़रूर से कंप्लेन करना चाहिए, cybercrime.gov.in पर जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर नियरेस्ट साइबर ब्रांच में जाकर के भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन आपको ज़रूर से करनी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको अपने पैसे वापस चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि कोई और भी उसे स्कैम के चक्कर में नहीं आए। और दूसरा जो आपको कंप्लेन करना है वो उस पेमेंट ऐप को करना है जिससे आपने ट्रांजैक्शन किया है। मान लीजिए अभी आपने जो है पेटीएम का यूज करके उस वेबसाइट में रिचार्ज किया है, तो आपको पेटीएम के कस्टमर केयर से बात करना है और कहना है कि इस ट्रांजैक्शन मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि ये पैसे मुझे वापस चाहिए, रिवर्स करवाना है इस ट्रांजैक्शन अमाउंट को। इस तरीके की रिक्वेस्ट करनी है। अगर विद इन 24 आवर्स के अंदर आप कंप्लेन करते हो और उसका अकाउंट एक्टिव हुआ, उसके अकाउंट में पैसे हुए उस स्कैमर के अकाउंट में, तो मे बी आपको आपके पैसे वापस मिल जाए। अब हो सकता है कि पेटीएम ऐप जो है या फिर इस तरीके की पेमेंट ऐप्स जो है आपसे FIR की कॉपी की डिमांड करे बिकॉज ऑफ इस तरीके की क्लेम करने के लिए, तो आप जो है ऑलरेडी साइबर क्राइम अगर कंप्लेन किए रहोगे या पुलिस स्टेशन में, तो उसका FIR कॉपी आप उन लोगों को सबमिट कर सकते हो। ऐसे में जो है जल्दी से कार्रवाई होगी और आप जो है अपने पैसे वापस पा सकते हो। चांसेस हैं, लेकिन आपको ये मेहनत तो करना पड़ेगा, उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और चांस नहीं है। आपने खुद से पैसे भेजे हैं उन लोगों के अकाउंट में और आप उसको जानते भी नहीं हो, ना नाम, ना एड्रेस, ना फ़ोन नंबर, कुछ भी नहीं है आपके पास, देखे तक नहीं हो, तो और कोई चांसेस है ही नहीं। ये 2 तरीका है, अप्लाई कर लो, मे बी मिल जाए, नहीं भी मिले तो लोग कम से कम जो है बचेंगे ऐसी वेबसाइट को बंद किया जाएगा। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम हुआ है ना, उसकी जानकारी को मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। यहाँ पर हमेशा ही आपको अवेयरनेस से जुड़ा वीडियो देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर हमेशा आपको अवेयर करता रहूँगा ताकि आपके साथ जो है ऐसे किसी वेबसाइट में स्कैम नहीं हो, इसलिए मैं बैक टू बैक वीडियोज़ बनाता हूँ। और इस वीडियो को भी आपको शेयर करना है ज़्यादा लोगों के पास, ताकि किसी के साथ भी ऐसा स्कैम नहीं हो। Thank you so much.